हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी हमेशा ठीक ही रहें। तो आज मैं आप सभी के साथ अपनी ड्रेस कलेक्शन शेयर करने जा रही हूँ। इसमें ज्यादा से ज्यादा ड्रेसेस हैं जो मेरी गिफ्टेड हैं, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा छोटी हूँ तो मुझे गिफ्ट मिलते रहते हैं और मेरी हॉबी है ड्रेसेस कलेक्ट करना, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये मेरा एक टॉप है, ये सिंगल टॉप नहीं है, इससे कभी एक और दो चीजें हैं, मैं आपको बता देती हूँ। तो ये टॉप ब्लैक कलर का है, तो ये मेरा गिफ्टेड है, मुझे एक बार रक्षाबंधन था उस पर मिला था। तो ये टॉप है और इसके ऊपर है ये जैकेट, ये थोड़ी फ्रिल वाली जैकेट है, देख सकते हैं आप सभी। ये मेरी फेवरेट ड्रेस है बाय द वे। और इसके साथ एक नीचे प्लाजो है, प्लाजो पैंट कह सकते हो। ये इसके साथ एक प्लाजो है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। तो नीचे से इसमें शॉर्ट्स वगैरह है, ये देखिए ऐसे है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, तो मुझे तो ये बहुत पसंद है और ये मेरी मौसी ने मुझे गिफ्ट किया था। अब नेक्स्ट ड्रेस, नेक्स्ट ड्रेस है हमारी ये डांगरी। ये डांगरी है, ये भी थोड़ी उसमें रखी हुई थी अलमारी में। तो ये डांगरी है, तो मैं थोड़ी गोरी हूँ तो मेरे ऊपर ब्लैक और ब्लैक क्लॉथ अच्छे लगते हैं, तो ज्यादातर क्लॉथ मेरे ब्लैक हैं। तो ये देखिए, ये नीचे से इसका कुछ इस तरीके से व्यू आता है। ये भी मेरा गिफ्टेड ही है क्योंकि आपको बोला था ना मुझे सारे गिफ्ट मिलते हैं। तो ये डांगरी है, इसके पीछे ये डोरी है तो इसमें प्लस हो जाती है आके। और ये है इसका टॉप, ये है ज़ारा का टॉप, ब्रांडेड टॉप है ये मेरा। तो ये कुछ इस तरीके से लगता है, ये ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप का है, इसके ऊपर लेबल लगा हुआ है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको एक और ड्रेस दिखाती हूँ अपनी। ये है मेरा जंक सूट, तो ये व्हाइट कलर का है, मेरे ऊपर व्हाइट कलर भी सूट करता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि एक ही कलर सूट करता है। तो ये है मेरा व्हाइट कलर का जंक सूट, इसमें देखिए पॉकेट्स भी हैं, इसमें सामान रख सकते हूँ मैं। और ये इस पे फ्रिल है, तो आप इसको नीचे से देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से व्यू देता है, मुझे अच्छा लगता है मेरे ऊपर ये। वैसे तो मेरे ऊपर हर चीज अच्छी लगती है तो ये नीचे से भी इसके ऊपर लगा हुआ है, ये फ्रिल है तो इसके ऊपर ये भी लगा हुआ है। और ये मेरी मौसी के गिफ्ट किया है, और तो ये मेरी मौसी ने गिफ्ट किया है मुझे रक्षाबंधन पे मिला था। तो गाइस, मुझे अपनी तारीफ करना बहुत ज्यादा पसंद है, कोई करे ना करे तो मैं बार बार ही बोलती रहती हूँ, मेरे ऊपर ये सूट करता है, मेरे ऊपर ये सूट करता है। अब एक और ड्रेस है, वो फ्रॉक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है वो फ्रॉक, इसमें भी फ्रिल लगे हुए हैं, मुझे फ्रिल वाले कपड़े बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसमें आप थोड़े पास से देख सकते हैं, इसमें थोड़े थोड़े बीट्स लगे हुए हैं। तो ये थोड़ी ओल्ड ड्रेस हो गया, तो एक साइड के बीट्स में थोड़े से कम है क्योंकि मैं निकालती रहती थी जब मैं छोटी थी, अभी भी छोटी हूँ लेकिन अब मैं थोड़ी समझदार हो गई हूँ इसलिए। तो बैक साइड से इसका कुछ ऐसा है, ये अभी मुझे थोड़ी सी ऊंची हो गई है क्योंकि अभी मैंने नीचे रखी हुई है ये। तो ये इसके अंदर बहुत सारे कपड़े लगे हुए हैं, नेट वगैरह के 3-4 कपड़े लगे हुए हैं इसके अंदर, इसमें जिप भी है। और ये देखिए, ये इसका फ्रंट लुक है, मैं आपको ऐसे करके दिखा सकती हूँ, ये इसका फ्रंट लुक है, ये मुझे थोड़ी सी ऊपर हो गई है, तो ये देखिए। ओके, तो आप सभी ने देख ली। अब नेक्स्ट ड्रेस है, मैंने ये मेरी मम्मी ने डिजाइन की है, मेरी मम्मा का एक सूट रखा हुआ था तो हमने उसको डिजाइन कर दिया फेसबुक से देख के। ये देखिए, ये उसका टॉप है, ये मेरी मम्मी के सूट की सलवार है, तो इसका मैंने टॉप बना दिया। कपड़ा है, मतलब नानी ने मम्मा को दिया था, तो ये उसके ऊपर टॉप है, ये सूट की कपड़ा है, उसमें से मैंने एक प्लांट भी ड्रॉ बना दिया, मतलब मेरी मम्मा ने बनाया, मैंने नहीं ड्रॉ किया इसको। और नीचे लेस लगा दी ताकि थोड़ा थोड़ा मैच करे उस अपने ड्रेस से। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से है, इसमें साथ में जिप भी लगी हुई है। तो ये मैंने कल वेयर किया था, तो ये थोड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है ठीक है। अब इसके नीचे है प्लाजो, आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये प्लाजो है, इस प्लाजो में मैंने अपने लिए जिप्स लगवाई है, पॉकेट बनवाई है, ये देखिए इसमें मैं अपने फोन वगैरह सामान वगैरह डाल सकती हूँ। तो इसके नीचे मैंने बटन सप्लाई करवाए हैं, ये देखिए, ताकि ये भी उससे थोड़ा सा थोड़ा मैच करे। ओके, तो ये है प्लाजो, तो
ये है मेरा फ्लफ। अब इसके साथ एक और है तो ये है उसकी जैकेट। तो ये जैकेट का कलर और इसका प्रिंट मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो मैं इसको ऐसे उठा के कभी भी वेयर कर लेती हूँ। तो मैं ये इसका जो प्रिंट है, इसके ऊपर जो कलर है, मैं आपको फिर से बताती हूँ, मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा सूट करता है। तो इसमें मैंने बाजू जो है ना बेल वाली बनवाई है, क्योंकि मेरी मम्मा के पास एक सूट है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद था, तो मैंने कहा मम्मी मेरे सूट में बना, तो मैं आपको इसको वेयर करके दिखा देती हूँ। तो मैं इसको ना कभी भी कैसे भी वेयर कर लेती हूँ। तो मैंने एक ऐसे ही टॉप पहना हुआ है बेल वाला ही, तो अच्छे से आ नहीं रहा मुझे, बट ये कुछ इस तरीके से लगता है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से लगता है। मैं इसको निकाल देती हूँ अभी के लिए। एक लास्ट ड्रेस है मेरी, जो कि मैंने ऐसी लोकल मार्केट से खरीदी थी, बस मेरे से ऐसी बस पैसे वेस्ट करने का मन कर रहा था, तो मैंने इसका ऐसे खरीद लिया। हमारे यहाँ पे एक लोकल मार्केट लगता है, उससे मैंने लिया था। तो ये 250 की मैंने परचेज की थी, अब पता नहीं इसका रेट क्या होगा। तो ये थोड़ी अंदर ऊपर अलमारी में रखी हुई थी, थोड़ी गंदी हो गई है, ये देखो थोड़ी गंदी सी हो रखी है, तो मैं इसको कभी पहनती हूँ नहीं। और ये देखिए कुछ इस तरीके से लगती है मेरे ऊपर मेरे ऊपर कुछ इस तरीके से लगती है, और नीचे से इसमें कुछ लाइनिंग है, तो मैं इसको पहनती नहीं हूँ, क्योंकि ये देखो कितनी ऊपर है, इतनी तो मेरी निक्कर भी है, इससे नीचे मेरी निक्कर है। तो आई होप आप सभी को मेरी ड्रेस कलेक्शन बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मुझे पसंद है, तो आई होप आप सभी को पसंद होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड कमेंट प्लीज। और आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो मेरे ऊपर अच्छी लगे वो आप मुझे बताएं, मैं पक्का कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर 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 बनाऊं। बट अगर आप ऐसे कुछ भी बोल देंगे तो शायद थोड़ा मुश्किल हो, प्लीज कमेंट कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और अगर थोड़े से भी आपको इसमें थोड़ा सी भी हंसी आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें।